एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल, दिस इज़ मानसी। तो आज आपको कुछ नया नया सा दिख रहा होगा। तो अभी रिसेंटली मैंने कुछ चेंजेस करके ये सेटअप अरेंज किया है, क्योंकि कुछ नया होते रहना चाहिए लाइफ में। और जैसे कि मैं हर बार अपने वीडियोस में कुछ नए डीआईवाई शेयर करती हूँ, तो आज भी मैं कुछ ऐसे डीआईवाई शेयर करूँगी जो कि मेरे बाकी डीआईवाई से कुछ डिफरेंट होने वाले हैं। और इन सारे डीआईवाई को बनाने के लिए मेनली मैं एक मटेरियल का यूज़ करूँगी और उसी को यूज़ करके सारे डीआईवाई बनाऊँगी। बट वो कौन सा मटेरियल होगा वो आपको आगे पता चल जाएगा। बट बिफोर वी स्टार्ट, मेक श्योर कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि मैं जो भी वीडियोज़ लाती हूँ उसके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। एंड नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। तो फर्स्ट डीआईवाई के लिए मैं यूज़ करने वाली हूँ ये बर्लैप क्लॉथ, और मैंने अमेजोन से लिया है। आप किसी भी लोकल स्टेशनरी शॉप से या क्राफ्ट शॉप से ले सकते हैं, या फिर लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ से भी परचेज कर सकते हैं। अब हो सकता है कि कुछ लोग बोलें कि मानसी तुम तो हमेशा वेस्ट मटेरियल वाले डीआईवाई शेयर करती हो, तो आज भी हमें वही देखना है, हमें नहीं खरीदना बाहर से कुछ। तो इसके लिए भी मेरे पास एक दूसरा ऑप्शन है। तो अगर आपके पास कुछ इस तरह के पुराने कपड़े हैं, जैसे कि मेरे पास ये एक शर्ट है जिसका कपड़ा थोड़ा सा ऐसा खादी टाइप का है, तो आपके घर में भी अगर ऐसे कोई पुरानी शर्ट है, सूट है, या कुछ कुछ भी इस तरह का पुराना कपड़ा है, तो वो आप यूज़ कर सकते हैं इसकी जगह पे। तो इसी के साथ बढ़ते हैं हमारे फर्स्ट DIY की तरफ। तो पहले मैंने ले लिया है कार्डबोर्ड, और इस पर मैं डिफरेंट डिफरेंट शेप्स ड्रॉ करके इन्हें कट कर लूँगी। अब मैं इन सबकी एजेस को कवर करने के लिए मास्किंग टेप का यूज़ कर रही हूँ, और इनकी एज को कवर करना ज़रूरी है, वरना फिर ये बाद में अच्छे दिखाई नहीं देंगे। तो यहाँ पे मैंने सबकी एजेस हाइट कर दी हैं, और अब मैं वॉल पुट्टी में थोड़ा सा फेविकॉल और पानी लेके मिक्स कर रही हूँ। तो एक पेस्ट बन के रेडी हो जाएगा, और इसको मैं सारे इन कार्डबोर्ड के ऊपर अप्लाई कर दूँगी। और जब ये ड्राई हो जाएगा तो कुछ ऐसा दिखाई देगा। अब हम इस पर कुछ फेसेस ड्रॉ कर लेंगे। तो अभी मैं पूरा फेस नहीं ड्रॉ कर रही हूँ, जहाँ पे हमें क्ले वर्क करना है बस मैंने उतना ही ड्रॉ किया है। तो अब मैंने लिया है मोल्डेड क्ले, और फेस के कुछ एलिमेंट्स मैं यहाँ पे क्ले की हेल्प से बना रही हूँ। तो यहाँ पे हम कुछ ट्राइबल फेसेस बना रहे हैं, और कुछ पार्ट्स मैंने क्ले से बना लिए हैं, बाकी की चीज़ें हम पेंट करके कम्प्लीट करेंगे। तो अब सबसे पहले तो हम सारे बैकग्राउंड को ब्लैक कलर से पेंट कर लेंगे। तो कम्प्लीटली इसको हम ब्लैक पेंट कर लेंगे। इसके बाद जो हमने क्ले वर्क किया था उसके ऊपर मैं जैसो अप्लाई कर रही हूँ, और इसके बाद हम पेंट करना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे मैं बस येलो, रेड और वाइट, यही दो तीन कलर्स का यूज़ करके इन सारे फेसेस को रेडी कर लूँगी। और बाद में इन सारे फेसेस पे वार्निश अप्लाई करना मत भूलिएगा, ताकि ये प्रोटेक्टेड रहें। अच्छा, कभी कभी आप लोगों को भी ऐसा नहीं लगता कि इतनी गर्मी में काश अपने फेस को प्रोटेक्ट करना भी इतना ही ईजी होता? तो घर के अंदर तो गर्मी हो ही रही है, लेकिन जब बाहर निकलो तब तो इतनी तेज़ धूप रहती है, और सबसे ज़्यादा चिंता होती है कि ऐसे में स्किन कहीं ख़राब ना हो जाए, क्योंकि इसकी वजह से डिहाइड्रेशन, पिगमेंटेशन और सनबर्न की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है गर्मियों में। तो इन सारी प्रॉब्लम्स के लिए हम सबको पता है कि एलोवेरा एक बहुत अच्छा ऑप्शन होता है, बट हर बार एलोवेरा को कट करना, उसको पील ऑफ करना, फिर उसका जेल निकालना, ये सारा बहुत मैसी हो जाता है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मामाअर्थ ने लॉन्च किया है एलोवेरा जेल फेस मॉइस्चराइजर, विच गिव्स यू यूथफुल ग्लोइंग स्किन। तो मामाअर्थ एलोवेरा फेस वॉश से फेस क्लीन करने के बाद अब मैं फेस पे एलोवेरा जेल मॉइस्चराइजर अप्लाई करूंगी। सो ये बना है नेचर के दो बेस्ट इन्ग्रीडियंट से, एलोवेरा एंड अश्वगंधा। एलोवेरा हाइड्रेट्स, मॉइस्चराइजर्स एंड सूथ्स द स्किन, और अश्वगंधा आपको देता है यूथफुल ग्लो। और इतना ही नहीं, ये लाइट वेट फॉर्मूला के साथ आता है, जो कि स्किन में क्विकली अब्जॉर्ब हो जाता है और आपको एक एवरलास्टिंग ग्लो देता है। और आप ये एलोवेरा जेल फेस मॉइस्चराइजर रेगुलर बेसिस पे यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये मेड सेफ सर्टिफाइड है, तो आपको बिल्कुल डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें कोई केमिकल्स और कोई टॉक्सिन्स वगैरह नहीं है। और मामाअर्थ की एक चीज़ जो मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है, वो ये है कि जब भी आप कोई ऑर्डर प्लेस करते हो, तो दे विल लिंक योर ऑर्डर टू अ ट्री दैट दे प्लांट, एंड बाई 2025 दे आर एमिंग टू प्लांट 1 million ट्रीज एज अ पार्ट ऑफ दिस इनिशिएटिव। और इसकी एक और अच्छी बात यह है कि मामाअर्थ प्लास्टिक पॉजिटिव है, यानी कि जितना प्लास्टिक ये यूज़ करते हैं उससे कहीं ज़्यादा रिसाइकल करते हैं। तो हमारा चैनल और मामाअर्थ दोनों ही रिसाइकलिंग में बिलीव करते हैं, और अभी ये 240 मेट्रिक टन प्लास्टिक हर मंथ रिसाइकल करते हैं। और मामाअर्थ ने अपनी ऑफिशियल ऐप भी लॉन्च की है, जहाँ पे यूजर्स को मिलेगा अर्ली एक्सेस टू सेल्स एंड एक्स्ट्रा डिस्काउंट। और इनके प्रोडक्ट अमेजॉन, नाइका, मामाअर्थ की ऑफिशियल वेबसाइट और ऐप पे भी अवेलेबल हैं।
और साथ ही अगर आप मेरा कूपन कोड MH2022 यूज़ करते हो तो आपको मिलेगा 20% का डिस्काउंट, और ये कोड आप सिर्फ मामाअर्थ की वेबसाइट और ऐप पे ही यूज़ कर सकते हो। तो अब मैं एक थिक कार्डबोर्ड ले रही हूँ, और आप लोग हमेशा बोलते हो कि मैं सारी चीज़ों का साइज़ मेंशन कर दिया करूँ, तो चलो मैं इसका साइज़ नाप के आपको बता देती हूँ। तो इसकी लेंथ है 54 सेंटीमीटर और विड्थ है 20 सेंटीमीटर। मैं कभी इतना नाप तोल के नहीं बनाती हूँ, मेरे पास जो भी सामान जिस साइज़ में अवेलेबल होता है मैं उसी हिसाब से DIYs बना लेती हूँ। अब जैसे कि ये बर्लैप क्लॉथ था, अगर इस साइज़ में थोड़ा बड़ा होता तो मैं उतना ही रहने देती, अगर छोटा होता तो भी मैं उतना ही रहने देती, और उसी के हिसाब से बाकी चीज़ें बनाती। तो आपके पास भी जो भी सामान है उसका जो भी साइज़ है उसके हिसाब से आप DIYs बनाइए, या फिर आपको कितनी रिक्वायरमेंट है, आपको किस जगह उसे प्लेस करना है, उसके हिसाब से आप अपना साइज़ रख सकते हैं। मैंने किस साइज़ का बनाया है, आपका DIY बिल्कुल एग्जैक्ट उसी साइज़ का होना कोई ज़रूरी नहीं है। तो अभी मैं यहाँ पे कुछ स्टिक्स ले रही हूँ जो कि मैंने अमेज़ॉन से ली थी, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और इनको मैंने पेस्ट करके एक रेक्टेंगल बना लिया है और इसको मैं पेंट कर दे रही हूँ। तो इस रेक्टेंगल की भी मेजरमेंट 54x20 सेंटीमीटर ही है। अब इसके पीछे हम फेविकॉल लगा के इसे जो बर्लैप क्लॉथ हमने कट किया था उसके ऊपर हम पेस्ट कर देंगे। तो ये हमारा एक फ्रेम रेडी हो चुका है। अब जो हमने फेसेस बनाए थे ट्राइबल फेसेस, उनको हम एक एक करके इस पर चिपका देंगे, और ये हमारा DIY रेडी है। वॉल पे हैंग करने के लिए आप पीछे इस तरह के हुक्स अटैच कर सकते हैं। अब मैं फिर से बर्लैप क्लॉथ ले रही हूँ, और एक पेपर पे मैंने लीफ का शेप ड्रॉ कर लिया था और उसे कट कर लिया था, और अब उसी की हेल्प से मैं बर्लैप क्लॉथ के ऊपर इसे ट्रेस कर ले रही हूँ। तो अब यहाँ से हम एक लीफ का शेप कट कर लेंगे, इनफैक्ट एक नहीं, हमने दो लीफ के शेप कट करने हैं। तो ये दो लीव्स हमने कट कर ली हैं। अब छोटा सा एक ये टुकड़ा मैं स्टिक कर दे रही हूँ पीछे की साइड। तो अब हम इस पर पेंटिंग करना स्टार्ट करेंगे, और पेंटिंग के लिए आप कोई भी पैटर्न चूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे रैंडमली कुछ भी ड्रॉ कर दिया है, जो भी आपका मन करे वो पैटर्न आप इस पर ड्रॉ कर सकते हैं, जैसे कि मैंने किया है। रैंडमली मैंने डिफरेंट डिफरेंट कलर्स लेके कुछ पैटर्न्स यहाँ पर ड्रॉ कर लिए हैं, और यहाँ पर भी मैंने बस 3-4 कलर्स यूज़ किए हैं, जैसे ग्रीन, येलो, वाइट और ब्लैक। तो आज के जो DIYs हैं वो मैंने बहुत ज़्यादा कलरफुल और बहुत वाइब्रेंट कलर्स को यूज़ करके नहीं बनाए हैं, थोड़ा सा बोहो टच देने की कोशिश की है, क्योंकि ऑलरेडी मैंने बहुत सारे कलरफुल DIYs पिछले कुछ दिनों में आपके साथ शेयर किए हैं। तो इस बार मैं कुछ मिनिमल और कुछ सिंपल, सोबर, ऐसा कुछ बनाना चाह रही थी, तो इसलिए मैंने ये वाले DIYs चूज़ किए। तो दोनों लीव्स को मैंने कम्प्लीट कर लिया है। अब मैं एक कॉटन रोप ले रही हूँ पतली सी, और एकदम कॉर्नर पे इसको चिपका के एक बॉर्डर जैसा मैं क्रिएट कर दूंगी। तो कुछ इस तरीके से हमारा मल्टीपर्पज़ DIY रेडी हो जाएगा। मल्टीपर्पज़ मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि हम इसे कई तरीके से यूज़ कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे एज अ टेबल प्लेसमैट यूज़ किया है। दूसरा तरीका ये है कि आप सिंपली इसको वॉल पे डबल साइडेड टेप की हेल्प से लगा दीजिए, यानी बहुत ज़्यादा अमेजिंग दिखने वाले हैं। अभी इसके साथ एक और आइडिया मैं शेयर कर रही हूँ, तो आप चाहें तो इसे फ्रेम में लगा सकते हैं। फ्रेम को आपको बिल्कुल खोलने की ज़रूरत नहीं, सिंपली आप ऊपर से ही इसको डबल साइडेड टेप की हेल्प से चिपका दीजिए, और ये बहुत ही सुंदर सा एक फ्रेम रेडी हो जाएगा। आप चाहें तो इसका बैकग्राउंड किसी दूसरे कलर में भी रख सकते हैं। तो अब नेक्स्ट DIY के लिए मैं एम्ब्रॉयडरी हूप ले रही हूँ, और इसके ऊपर हमें ये बर्लैप क्लॉथ रखना है। अब साइज़ में थोड़ा छोटा पड़ रहा था तो मैं नीचे से एक दूसरा कपड़ा स्टिच कर लूँगी। अब इसके ऊपर मैं हूप को प्लेस करूंगी, और इसको थोड़ा सा कपड़ा छोड़ते हुए मैं एक मार्क बना लूंगी, और वहीं से मैं इसको कट कर ले रही हूं।
तो एक बड़ा सर्कल मैंने कट कर लिया। अब इसी तरह एक सेमी सर्कल भी कट कर लेंगे और ऊपर से इसको हल्का सा फोल्ड कर देंगे। आप चाहें तो इसे बाद में स्टिच भी कर सकते हैं। तो अब कुछ इस तरीके से मैं इसे प्लेस कर रही हूँ और हुप को इसमें अटैच कर रही हूँ, बट मेरा हुप इसमें अटैच हो ही नहीं रहा था क्योंकि जो मेरा बर्लैप क्लॉथ है वो काफ़ी थिक था, इसमें पीछे इस तरह से प्लास्टिक लगी हुई थी तो इसकी वजह से नहीं हो पा रहा था। आपके पास अगर इस तरह पतला वाला बर्लैप क्लॉथ है तो वो ईज़िली अटैच हो जाएगा। तो इसके लिए मैं दूसरा कुछ जुगाड़ सोचती हूँ, बट पहले हम इस पर कुछ लिख लेंगे। कुछ क्या मतलब, मैं वेलकम लिख रही हूँ क्योंकि मैं इसे एंट्रेंस पे लगाना चाहती हूँ। तो मैंने पहले पेपर पे स्टेंसिल बना के इसको लिखा है, अगर आप डायरेक्टली लिख सकते हैं तो और भी अच्छी बात है। तो क्योंकि ये हुप में अटैच नहीं हो पा रहा था तो अब मैं डायरेक्टली इसको हुप के साथ चिपका दूँगी। तो अंडर वाला पार्ट मैंने ले लिया है हुप का और उसी के साइज़ का इसे कट कर लिया है, बट पहले जो ऊपर का हिस्सा मैंने फोल्ड किया था उसे स्टिच कर ले रही हूँ ताकि ये बाद में खुल के गंदा सा ना दिखाई दे। अब मैं इन दोनों कपड़ों को आपस में चिपका दूँगी तो इसमें एक पॉकेट जैसा क्रिएट हो जाएगा। और अब मैं हुप के ऊपर भी एक ग्लू लगा के इसे इसके साथ चिपका दे रही हूँ। अब मेरे पास एक पुरानी शर्ट रखी थी जो कि फट चुकी थी ऑलरेडी, तो मैंने इसमें से कपड़े का एक पीस निकाल लिया है और इसकी हेल्प से मैं एक बो बना लूँगी। इसी कपड़े की हेल्प से मैंने पहले भी एक DIY बनाया था, अगर आपको याद है तो मुझे कमेंट करके बताना। आपके पास अगर ऐसा कपड़ा नहीं है तो आप रिबन भी यूज़ कर सकते हैं। अब एक जूट रोप लेके मैं इसके बीच में 2-3 बार इसको रैप करके चिपका दे रही हूँ और इसके लिए मैंने ग्लूगन का यूज़ किया है। तो ये एक बहुत ही सुंदर सी बो बन के रेडी हो चुकी है और इसे मैं ग्लूगन की हेल्प से इसमें अटैच कर दूँगी। अब इसे हैंग करने के लिए मैं पीछे की साइड इसमें अगेन रोप अटैच कर दूंगी ग्लूगन की हेल्प से। और ये हमारा DIY रेडी हो चुका है। बस अब आप जो पॉकेट है उसके अंदर चाहे तो आर्टिफिशियल फ्लावर्स लगाइए या फिर यहाँ पे मैंने ओरिजिनल फ्लावर्स लगाए हैं, तो जो भी आपके पास अवेलेबल हो वो आप यूज़ कर सकते हैं। और ये रहा इसका फाइनल लुक। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलेगा। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।